नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, शुक्रदेव 13 मई 2020 को वो रेट्रो हो रहे हैं, जो कि वो 25 जून 2020 तक जो है वो रेट्रो रहेंगे। दोस्तों, शुक्रदेव शुभ ग्रह हैं और इस समय वो वृषभ राशि में, अपनी ही राशि में चल रहे हैं। और शुक्रदेव जब 13 मई को रेट्रो होंगे तो वो 27 डिग्री 42 कला पर रेट्रो होंगे, यानी वो मंगल के नक्षत्र में जो है मृगशिरा नक्षत्र में वो रेट्रोग्रेड होंगे। और 27 डिग्री से लेकर वो 11 डिग्री 12 कला तक रेट्रो रहेंगे, जो कि वो रोहिणी नक्षत्र तक वो रेट्रो रहेंगे। अब दोस्तों, शुक्रदेव जब बकरी हो रहे हैं तो उसका क्या फल मिलेगा? तो दोस्तों, शुक्रदेव शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह जब बकरी होते हैं तो अपनी शुभता को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो बढ़ाएंगे तब जब आपकी कुंडली में शुक्रदेव रेट्रो रहेंगे। तब आपकी कुंडली में शुक्रदेव रेट्रो हैं और इस समय गोचर में भी रेट्रो होने जा रहे हैं, तो आपकी कुंडली में उसकी शुभता जो है वो बढ़ जाएगी। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव रेट्रो नहीं हैं और गोचर में रेट्रो होने जा रहे हैं, तो उसमें जो है शुभता आपको कम मिलेगी। ठीक है दोस्तों, शुक्रदेव रेट्रो का फल और अधिक तब मिलेगा यदि आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो या शुक्र की प्रत्यंतर दशा हो, और इस समय आपकी कुंडली में भी शुक्र रेट्रो चल रहे हैं और इस समय गोचर में भी शुक्र रेट्रो हो गए हैं, तो इसमें आपकी दशा में 4 चांद लग जाएगा, यानी शुभता उसकी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको देखना है कि आपकी दशा शुक्र की महादशा है क्या, अंतरदशा है क्या, प्रत्यंतर दशा है क्या, और उसमें भी यदि शुक्र जन्म का शुक्र आपकी कुंडली में रेट्रो हो, यानी बकरी अवस्था में हो, तो गोचर में भी रेट्रो होने जा रहा है। तो 13 मई से 25 जून तक के बीच में आपका समय जो है वो बहुत ही शुभ समय जो है वो आपका जो है वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अब हम ये देखेंगे कि इसका 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेष राशि है आपकी तो मेष राशि वालों के लिए ये शुभ फल है। ठीक है दोस्तों, वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वालों के लिए ये अशुभ फल है। ठीक है दोस्तों, यदि वृषभ राशि है तो अशुभ फल है, तो उसके लिए आपको घर में साउथ में आपको कोई भी ऑफ वाइट का कपड़ा वहाँ पर रखना पड़ेगा, तो उस पर आपको जो ये अशुभ फल है उसमें शुभता मिलना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि है तो शुभ फल है, कर्क राशि है तो अशुभ फल है, तो आपको उत्तर में कोई भी ऑफ वाइट कपड़ा अपना रखना पड़ेगा जो कि साफ होना चाहिए। सिंह राशि है तो शुभ फल है, कन्या राशि है तो अशुभ फल है, और यदि कन्या राशि है तो अशुभ फल है, तो आपको साउथ में जो है एक अपना ऑफ वाइट कपड़ा रखना पड़ेगा। तुला राशि है दोस्तों तो शुभ फल है, वृश्चिक राशि है तो अशुभ फल है, तो आपको घर के उत्तर में कोई भी ऑफ वाइट कपड़ा रखना पड़ेगा। धनु राशि है तो अति शुभ फल है, मकर राशि है तो वहाँ पर वो अशुभ फल है, तो दक्षिण में आपको ऑफ वाइट कपड़ा एक अपना रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मकर राशि तो आपको बता दिया अशुभ फल है, दक्षिण में आपको कपड़ा एक रखना है। कुंभ राशि है तो शुभ फल है, और मीन राशि है तो भी शुभ फल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखना है दोस्तों कि आपकी कुंडली में शुक्र दोस्तों लग्जरी का कारक है, शुक्र दोस्तों वाहन का कारक है, जो महंगे वाहन है उसका कारक है, होटल इंडस्ट्री का कारक ग्रह जो है शुक्र है,
ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरी का कारक शुक्र है, और जो है वो घर में जो है पत्नी का कारक ग्रह जो है शुक्र है, और जो है ये आपके शादी के पहले जो है छोटी बहन का भी कारक शुक्र है। तो कुंडली में दोस्तों देखना है आपके कि आपकी कुंडली में शुक्र यदि बकरी है, तो अभी बकरी होने जा रहा है, तो उसकी शुभता आपको ज़्यादा मिलेगी। उसके लिए दोस्तों और ज़्यादा देखने के लिए आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र रेट्रो है तो कितनी डिग्री पर रेट्रो है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र रेट्रो 27 डिग्री 42 कला से 11 डिग्री 12 कला के बीच में रेट्रो है, यानी 11 से 27 डिग्री के बीच में यदि आपका जो है शुक्र जो है वो रेट्रो है, तो यानी आपको इसकी शुभता ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शुक्र रेट्रो है लेकिन इस डिग्री के बीच में रेट्रो नहीं है, तो शुभता आपको कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। लेकिन यदि इसमें आपकी दशा अंतरदशा है तो इसकी शुभता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो है शुक्र से जुड़ा हुआ ये आप फलादेश था। ये दोस्तों जो है यदि आपको जो है अपनी कुंडली जो है वो दिखाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमसे संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9870312696। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।